हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो चलिए, न्यू मैगजीन आ चुकी है तो हम लोग न्यूज़ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और एज़ यूजुअल हम लोग पहले यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। तो इस बार जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में टॉपिक हम लोग को देखने को मिलेगा, तीन टॉपिक है, लेकिन तीनों बहुत ही शानदार टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है कि इंडिया का सेकंड यहाँ पे वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू देखने को मिलेगा, यानी कि देखते हैं कि ये वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू होता क्या है। और इस बार जो है सेकेंड आपको देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट वाला क्या था, ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सेकेंड जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। थर्ड है कि जो लोकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर जॉब में, तो इसकी क्या इशू निकल कर आई है, अगेन एक रिजर्वेशन का टॉपिक है। यानी कि हम लोग हर एक मंथ देखते हैं कि रिजर्वेशन का मुद्दा कितना ज़्यादा गर्म है, और हर एक मंथ जो है कुछ ना कुछ हम लोग रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो इस बार जो हम लोग रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोग को अगर प्रीवियस मंथ की लेसन देखनी है तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से सारे लेसन को देख सकते हो। तो प्रीवियस मंथ की जो भी टॉपिक आपकी बची हुई है, आपकी कल्चर की एक लेसन आज ही आप लोग को मिल जाएगी, साथ ही सिक्योरिटी की भी मिल जाएगी, और जो भी एक दो लेसन है आपकी आगे वाले दो तीन दिन में आपकी जून मंथ की भी जो जो भी टॉपिक बची हुई है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि कल से आप लोग को यहाँ पे क्विज़ देना होगा, क्योंकि एक लेसन के बाद मैं यहाँ पे क्विज़ पूछती हूँ और इस बार टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार है, तो क्विज़ तो बनना पूछना बनता ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया के सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के बारे में। पहले समझने का कोशिश कीजिए ना कि वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू होता क्या है, वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, ठीक है। तो यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि ये नेशनल को, यानी कि किसी भी कंट्री को रिव्यू करने के लिए जो है एक तरीके का ये प्रोसेस होगा, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कंट्री को एसेस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उसका कितना प्रोग्रेस है और वो ग्लोबल गोल्स को अचीव करने में कितना ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लोग वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू को यहाँ पर देखते हैं, डिटेल में देखते हैं न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। ये जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया का वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट, ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट आपका पब्लिश किया जाता है। तो सबसे पहले यही आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो भी काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको स्टामक करके पढ़िएगा। इस रिपोर्ट का टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल एट यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग है ये होता कैसे, और सबसे बड़ा बात यहाँ पे यही किया जा रहा है कि एक डिकेड है एक्शन का, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो स्टार्ट हुआ है वो 2015 से हुआ है, और कहने का मतलब है कि ये आपका एंड जो होगा वो 2030 में होगा, ठीक है। तो एक डिकेड होता है, यानी कि 10 साल की जो होती है उसको हम लोग एक डिकेड कहते हैं, तो 2025 तक का एक डिकेड हमारा कंप्लीट होगा। तो इस डिकेड में हमारा क्या क्या एक्शन लिया जाएगा उसको यहाँ पर देखा जाएगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल है जो कि पूरा ग्लोबल का ये गोल है। हर एक कंट्रीज को इसमें प्लेज लिया गया है कि वो सारे गोल्स को कंप्लीट करेंगे, इसके टारगेट को मीट करेंगे। तो ये ग्लोबल से लोकल हो गया, यानी कि अब हम लोग फोकस करेंगे अपने इंडिया के बारे में और इंडिया में किस किस तरीके के गोल्स को कितना अचीव करना है, क्या क्या यहाँ पे आपके सारे बातों को लेकर चलना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे एक नज़र हम लोग दे लेते हैं। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल 17 गोल हैं। फर्स्ट गोल है कि नो पॉवर्टी, किसी भी तरीके का पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं हो। सेकंड है कि जीरो हंगर, भूखमरी ख़त्म करना है। थर्ड है कि अच्छा खासा हेल्थ हो लोगों के पास। फोर्थ है कि क्वालिटी एजुकेशन हो। फिफ्थ है कि जेंडर इक्वालिटी हो, यानी कि लोगों में जो है मेल और फीमेल में किसी भी तरीके का मतभेद नहीं करना है। सिक्स है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे ध्यान देना है। सेवन्थ है कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होना चाहिए। एट है कि अच्छा खासा एक डिसेंट वर्क हो लोगों के पास और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। नाइन्थ है इंडस्ट्री, और यहाँ पर आप लोग देखो इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ है कि इनइक्वालिटी को कम करना है, यानी कि जो भी विभिन्नताएं हैं मेल फीमेल के बीच में या किसी भी सेक्टर्स में आप देखोगे तो उसको कम करना है। 11 है कि सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए। 12 है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की जा रही है। 13 है क्लाइमेट एक्शन, जो कि क्लाइमेट चेंज है तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में।
14th है कि लाइफ जो बिलो वाटर है, जैसे कि मैराइन ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे जो भी टारगेट है उसको मीट करना है। लाइफ ऑन अर्थ की बात की जा रही है 15 गोल में, 16 में है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 में है पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ये आपका टोटल जो है 17 गोल है, जिसको कि हर एक कंट्री को यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे इसको मीट करना है, और इंडिया का भी टारगेट है कि 2030 तक हमें इसे जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अपने आर्टिकल को। बात कर लेते हैं वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ गए कि एक प्रोसेस है, साथ ही यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है यहाँ पे, यानी कि क्या क्या सक्सेसेस है। मान लीजिए कि इंडिया जो है, आप लोग देखोगे कि इंडिया में अगर हम लोग देखें कि लाइफ बिलो वाटर, जो हमारा यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, उसको हम लोग ने अचीव कर लिया, यानी कि जो लाइफ बिलो वाटर है, चाहे वो मैराइन ऑर्गेनिजम्स हो, कोरल रिफ्स हो, सारी चीज़ जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसकी जो सक्सेस स्टोरी होगी, ये क्या करेंगे हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमने क्या क्या एक्शन लिया जिसके थ्रू जो है हम लोग मैराइन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर पाए, साथ ही क्या क्या चैलेंजेस आया इसको हम लोग का पूरा एक्शन लेने में और एक्शन को इंप्लीमेंट करने में। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग शेयर करेंगे। लेसन यहाँ पे सीखा जाएगा, यानी कि जो कंट्री मैराइन ऑर्गेनिजम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, लाइफ बिलो वाटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो वो हमसे जो है कुछ सीख पाएंगे। तो ये काम यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि 2030 का जो मेन एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। साथ ही यहाँ पे क्या है कि कुछ पॉलिसीज और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो पाएंगे, मल्टी स्टेक होल्डर को मोबिलाइज़ कर पाएंगे हम लोग, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको सपोर्ट मिल पाएगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन को पार्टनरशिप मिल पाएगी। साथ ही साथ इंडियन की जो यहाँ पे हम लोग VNR 2020 रिपोर्ट देख रहे हैं, इसके द्वारा एक रिव्यू यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। टोटल यहाँ पे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके प्रोग्रेस के लिए, तो इंडिया का जो अप्रोच है लोकलाइजिंग, यानी कि अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज करना है, और साथ ही साथ यानी कि कहने का मतलब है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसको यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत करना है। तो ये रहा यहाँ पे वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू के बारे में। बट यहाँ पे जो इस तरीके की रिपोर्ट है वो आपका जो पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल फोरम मीटिंग में किया गया है। सो ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है क्या? ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में, और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट था जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 में आपका डॉक्यूमेंट निकल कर आया, जिसका नाम है फ्यूचर वी वांट। कैसा फ्यूचर हम लोग आगे आने वाले दिनों में चाहते हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है सेट किया गया। ये एक सेंट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसको फॉलो अप किया जाता है, और यहाँ पे 2030 का एजेंडा है जिसको रिव्यू किया जाएगा। ये आपका एनुअली यहाँ पे मीटिंग होता है, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत जो है यहाँ पे आपका एनुअली मीटिंग होता है, उसी के तहत देखा जाता है कि कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका प्रोग्रेस हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो टोटल यहाँ पे 17 गोल्स है उसमें कितना हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाया है। अब देखते हैं कि क्या ज़रूरत है हम लोग को यहाँ पे लोकलाइज़ करने का, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पे ग्लोबल टू लोकल किया जा रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्या है पहले ये समझिए। सबसे पहला क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे लोकलाइज़ करते हैं तो इसमें क्या है कि कुछ प्रोसेस है इसको समझने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए, और साथ ही साथ सोर्सेज यहाँ पे जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, जो कि नेशनल से हमारे लोकल लेवल पे हो सके। बात हम लोग करते हैं पूरे कंट्री का, बट पूरे कंट्री को हम लोग एक साथ लेकर नहीं चल सकते। जो भी पॉलिसीज़ आती है उसको हम लोग को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले लोकल लेवल पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बॉटम टू टॉप अप्रोच लेकर चलना है, जिससे कि लोकल लेवल पर अगर हमारा इम्प्लीमेंट हो गया तो धीरे धीरे जो है हमारे बड़े लेवल पे भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन जो फ्रेमवर्क है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग को लोकलाइज़ करना पड़ रहा है। सेकंड, हम लोग को लोकलाइज़ क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लोकल और सब नेशनल जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जो कि बॉटम अप एक्शन लिया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो है ना, इससे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, एवोल्यूशन होगा, साथ ही ये काफी क्रूशियल है किसी भी स्ट्रेटजी के लिए जिसका एम है कि यहाँ पे गोल को अचीव करना, वो भी 2030 एजेंडा के अंदर। तो यहाँ पे तीन बात है, यानी कि जो लोकलाइज़ किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सबसे पहला है कि यहाँ पे जो प्लान है उसको समझना है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चलना है, साथ ही साथ उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, साथ ही साथ यहाँ पे सब नेशनल और जो लोकल के गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस है, और साथ ही साथ इनको समझना है कि कैसे ये सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो यहाँ पे टारगेट है उसको अचीव करें, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है सबको यहाँ पे मिलके, यानी कि लोकल लेवल पे चाहे
वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे हमारे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, सारे गवर्नमेंट एक साथ आकर जो है ना यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखो कि तीन बातें बताई जा रही है लोकलाइज्ड इंपरेटिव में। सबसे पहला क्या है कि कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है फेडरल सिस्टम है, कहने का मतलब है कि सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि अपना काम करते हैं। तो कॉपरेटिव होना चाहिए, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है एक दूसरे को कॉपरेट करके चले, साथ ही कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ 28 राज्य है, 8 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, तो सबके बीच में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अगर आज के डेट में केरल जो है बहुत अच्छे से कोविड-19 के केसेस को अगर वो टैकल कर पा रहे हैं, तो इसके कंपेरिजन में इसको देखते हुए जो है ना और भी सारे स्टेट है वो भी अपने यहाँ इस तरीके का प्रोविजन लेकर आ सके कि कोविड-19 के सिचुएशन को वो भी अपने स्टेट में जो है बेटर कर सके। तो कोई ये कंपटीशन होता है, हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से आगे निकलना चाहते हैं, तो इस तरीके का फंडा हमारे कंट्री में लेकर चला जाता है, जो कि कॉपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे सेकंड है लोकलाइज्ड सॉल्यूशन, यानी कि नो वन साइज फिट्स ऑल, लोकलाइज सॉल्यूशन होना चाहिए हर एक लोकल लेवल की, जो हर एक लोकल जगह की आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम अलग है। अगर आप दिल्ली में प्रॉब्लम देखते हो तो वहाँ की लोकल लेवल की प्रॉब्लम अलग है, अगर आप बिहार की प्रॉब्लम देखते हो तो यहाँ की लोकल लेवल की प्रॉब्लम अलग है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ रहा है, साउथ इंडिया में जो है आपका सूखा है, लेकिन दिल्ली की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंट वहाँ पर अर्थक्वेक आता है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करोगे तो वहाँ पर लोग लैंडस्लाइड से प्रॉब्लम में है। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकता है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे लोकलाइज्ड सॉल्यूशन, यानी कि एक ही साइज जो है सारे स्टेट में फिट नहीं करना है, हर एक स्टेट का अपना प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे देखकर चलना है। साथ ही जो स्टेट की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना है, सारे लेवल के जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो इम्प्रूव करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक स्टेट अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ और हमारी जो इस तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वो हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें देख लिए कि इंडिया के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, वैसा कहा जा रहा है, लेकिन मेन बात तो यही है ना कि इंडिया का अप्रोच क्या है। ठीक है लोकलाइज कर लेंगे, ठीक है लोकल लेवल पर ध्यान दे देंगे, ठीक है इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? कुछ ना कुछ तो अप्रोच होना चाहिए ना। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। अगर हम लोग नेशनल लेवल पर देखें तो नीति आयोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि पूरी तरीके से वो हमारे कंट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जितने भी गोल है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भी साथ में रहेंगे। इसमें क्या है कि टारगेट को सेट करना है कि क्या क्या टारगेट है, डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, यानी कि हर एक जगह का डेटा यहाँ पे होना चाहिए, साथ ही एक पार्टनरशिप बिल्डिंग लेकर आना है। पार्लियामेंट की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिनके द्वारा यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज किया जाएगा कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एजेंडा है वो कैसे प्रोग्रेस में चल रहा है, तो वो यहाँ पे जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। सब नेशनल लेवल पे क्या काम किया जा रहा है, तो सब नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनको यहाँ पे देखा जाएगा, उनको यहाँ पे नोडल डेवलपमेंट जो है टास्क किया जाएगा कि जिससे कि वो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट कर सके। और की एक्टिविटीज़ क्या है कि वो यहाँ पे कुछ नॉलेज प्रोडक्ट को प्रिपेयर करेंगे, कुछ रिपोर्ट को प्रोग्रेस करेंगे, कुछ यहाँ पे जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज होगा। तो ये सारे काम करके जो है ना यहाँ पे सारे स्टेट और यूटीज़ जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें कि आप देखोगे कि इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्ट्रक्चर भी होगा, यानी कि यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में जो है एक प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, साथ ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी होना चाहिए जिसको यहाँ पे दिशा कहा जा रहा है। तो दिशा में यहाँ पे आपका काम होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो यानी कि आपका सेंट्रल लेवल पे देख लिए, स्टेट लेवल पे देख लिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख लिए। साथ ही यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ओरिएंटेड बजटिंग है और यहाँ पे वाइडर यहाँ पे आपको करना है, यानी कि इसका जो बजटिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, फाइनेंसिंग का यहाँ पे जो मेजर्स है वो और ज़्यादा बढ़ाना है, जो कि इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन होगा जिसके थ्रू हम लोग वेरियस स्टेट को जो है ना यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला ही मैकेनिज्म आपका। सेकंड है कि यहाँ पे पॉलिसी और अनेबलिंग इन्वायरमेंट को देखते हैं कि इसको लेकर क्या क्या रखा गया है। सबसे पहला फिस्कल फेडरलिज्म है, जिससे कि जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है। फिस्कल फेडरलिज्म कहने का क्या मतलब है? फेडरलिज्म कहने का मतलब ये आप लोग समझिएगा कि जहाँ पे स्टेट और सेंटर जो है एक साथ आकर काम करते हैं। तो फिस्कल फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि जो टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, जो रेवेन्यू यहाँ पे आपका बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस टैक्स से क्या होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट्स में। तो फिनेंस कमीशन यहाँ पे होते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 280 के तहत इनका डिफाइन किया गया है कि फिनेंस कमीशन होना चाहिए और मेन
फंक्शन फिनेंस कमीशन का यही है कि टैक्स को वो डिवॉल्व करते हैं सारे स्टेट्स में। तो पहला तो इस तरीके से ये लेकर चलना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ GST आ चुका है, वन नेशन वन टैक्स का फंडा, जिसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इस्टेब्लिश किया गया है GST काउंसिल को, वो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो बेटर तरीके से डिसीजन ले सके। साथ ही जो लोकल प्रायोरिटीज़ है उसको भी एड्रेस करके चलना है। लोकल प्रायोरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑलरेडी हुआ था हमारे यहाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी को अलाउ किया गया था कि वो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भी प्लान है उसको वो यहाँ पे बनाएं, जिसमें कि ग्राम सभा भी इंक्लूड होंगे, वार्ड सभा भी हो सकते हैं, जो कि ग्रास रूट प्लान लेवल प्लानिंग के लिए हो। तो ग्रास रूट यानी कि आपका जो है एकदम बॉटम लेवल पर जाकर काम होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए पॉलिसी के लिए, पॉलिसी को, तो उसके लिए यहाँ पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का गठन हुआ था, यानी कि ये आपका अमेंडमेंट किया गया था। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी है, जो कि अपने विलेज लेवल के लिए कैसा उनका विलेज लेवल में किस तरीके की प्रॉब्लम है, उनको क्या यहाँ पे प्लान चाहिए, तो वो एक अच्छा खासा हॉलिस्टिक प्लान अपने डेवलपमेंट के लिए बना सकते हैं। साथ ही ग्राम स्वराज अभियान 2018 का है, एक नेशन वाइड कंपेन है जिसमें कि लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, की स्टेक होल्डर्स होंगे, जिसके थ्रू लोकल प्लानिंग प्रोसेस जो है और आगे बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया पॉलिसी एंड अनेबलिंग इन्वायरमेंट में। साथ ही साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहने का मतलब है कि अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल में आप देखते हो कि यहाँ पे आपका जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं वहाँ के बेटर तरीके से जो है मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, बट उससे अलावा भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा आज की डेट में आइसोलेट है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि वहाँ के लोग को जो है ना सारी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, डे टू डे जो उनका बेसिक एमिनिटीज़ होता है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू 115 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चूज़ किए गए हैं 28 स्टेट्स से, जिनको कि स्पेशल फोकस दिया जाएगा। तो उनको आइडेंटिफाई करना है, और इंडिकेटर क्या क्या है, सबसे पहला देखना है हेल्थ और न्यूट्रिशन के एरिया में, एडुकेशन के एरिया में वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा है, वाटर रिसोर्सेज कैसी है, फिनेंशियल इंक्लूजन है कि नहीं है, फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि लोगों के पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है, स्किल डेवलपमेंट है कि नहीं, उनके पास एडुकेशन है यानी कि वो ग्रेजुएशन है कि नहीं है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि उनके पास रोड का एक्सेस यानी कि रोड कनेक्टिविटी, या पीने का पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट हो, तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे आपका मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पे देखा जाएगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है अलग से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी उनके लिए एक अलग से जो है फोकस किया जाएगा। थर्ड यहाँ पे है कि मॉनिटरिंग एंड डेटा सिस्टम पे, तो मॉनिटरिंग एंड डेटा सिस्टम की बात करें तो उसके लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, जिसमें कि 297 इंडिकेटर्स होंगे सारे 17 गोल्स से, और इसको यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगे, सब नेशनल गवर्नमेंट होंगे, यूनाइटेड नेशन और अदर यहाँ पे इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन होंगे। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी है इसी तरीके से, साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी है इसी तरीके से, जो कि आपका 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में देखें तो 60% ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ पे डेवलप्ड हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स है और डैशबोर्ड है, जो कि यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे मेज़र किया जाता है कि कितना जो है हर एक गोल में यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है उनको रैंक दिया जाता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड क्या है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग कर लिए, क्यों ज़रूरत है, इसके लिए इंडिया का क्या प्लान है, सारी चीज़ें हम लोग देख लिए, लेकिन बिना चैलेंजेस के तो कुछ भी काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे बैरियर आएंगे, उन सारे बातों को भी देख लेना है, और किस तरीके से हम लोग को उसको टैकल करके आगे चलना है, ये बातें भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहला क्या है कि जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है नेशनल और सब नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ और इंडिकेटर को हम लोग को ऐड करना होगा, जो कि आज के डेट में आपको जो है नहीं देखने को मिल रहा है कि NIEF में कवर किया जा रहा है, तो कुछ और इंडिकेटर ऐड करेंगे। साथ ही जो डेटा कलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको और इम्प्रूव करेंगे, 6 महीने में जो डेटा कलेक्ट किया जाता था अब हम लोग 3-3 महीने में डेटा कलेक्ट करेंगे, जिससे कि बेटर सब तरीके से समझ में आएगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पर किस तरीके से काम हो रहा है। डेटा डिसएग्रीगेशन भी करेंगे, यानी कि डेटा को अलग अलग करेंगे, तो कैसे करेंगे, जेंडर बेसिस पे करेंगे, सोशल कैटेगरी के बेसिस पे करेंगे, इनकम ग्रुप के बेसिस में करेंगे, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मॉनिटर कर सकेंगे। साथ ही डेटा क्वालिटी भी इम्प्रूव करना है, बहुत बड़ी बात है कि डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में यही है कि डेटा नहीं सही तरीके से हम लोग को कहीं से भी गैदर कर पाते, हम लोग के पास एक ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है, लेकिन अगर डेटा होता है तो उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो हमें डेटा कलेक्शन
प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है, यानी कि टेबल्स वगैरह बनाना है, जियो स्पेशल डेटा लेना है, साथ ही यहाँ पे जो है सिटीजन्स जनरेटेड डेटा को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। सिटीजन्स जनरेटेड डेटा क्या है कि एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, प्रथम के द्वारा यहाँ पे एसर रिपोर्ट निकाला जाता है हर एक साल। एसर स्टैंड फॉर एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट होता है इस एनजीओ के द्वारा जो कि प्रथम नाम है, ये एकदम बेसिक लेवल पर जाकर जो है बच्चों की यहाँ पर रिपोर्ट निकालते हैं कि बच्चे कितना पढ़ पाते हैं, बच्चे कितना लिख पा रहे हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ इस एनजीओ के द्वारा देखा जाता है। तो इस एनजीओ की जो रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ रही है उसके थ्रू जो है डेटा को यहाँ पे लिया जा सकता है। तो इस एनजीओ के द्वारा जो रिपोर्ट निकल कर आता है उसको ऑल ओवर द इंडिया में भी इसको देखा जाता है, प्रेस किया जाता है, तो काफ़ी अच्छी इसकी जो है रिपोर्ट होती है। सेकेंड है कि हम लोग को मॉनिटरिंग करना होगा लोकल लेवल पे, सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें बॉटम लेवल पे ध्यान देना होगा, ग्रास रूट डेवलपमेंट पे हम लोग को फोकस करना होगा। थर्ड है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, अवेयरनेस हो स्पेशली कुछ कम्युनिटीज़ में, लोकल गवर्नमेंट में, कि वो यहाँ पर सारी चीज़ें देखें कि उनका कमिटमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जो है वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो काम कर पा रहे हैं, किस तरीके से प्लान हो रहा है, कैसे वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रहा है। तो हर एक चीज़ को उनको देखना होगा सही तरीके से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर फाइनेंसिंग की बात करें तो कुछ स्टडीज़ के द्वारा ये एस्टिमेट किया गया है ना कि इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के खर्चों में वो बढ़ावा करे, यानी कि स्पेंडिंग ज़्यादा करे, खर्च ज़्यादा करे, और एडिशनल जो GDP का यहाँ पे बताया जा रहा है 6.2% हम लोग को करना होगा 2030 तक, तभी हम लोग जाकर जो है यहाँ पे देख पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जितने भी टोटल 17 है उसको हम उसकी टारगेट जो है हम लोग मीट कर पा रहे कि नहीं। साथ ही यहाँ पे पार्शियल स्ट्रैटेजीज लेकर चलना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनेंसिंग का, जिसमें कि जो नेशनल का जो टैक्स सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है, इलिसिट जो फाइनेंशियल फ्लो है यानी कि गलत तरीके से जो हमारी पैसे की आना जाना देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे गलत तरीके से पैसे जाते हैं, कुछ पैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है, तो वो सारे पैसों को कम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पे ध्यान देना है, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, FDI पे ध्यान देना है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग जो है हमारे यहाँ आकर हमारी कंपनीज में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ हम लोग को गुड प्रैक्टिसेस को एनालाइज करना है और जो पीयर लर्निंग है वो यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, वो भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो, और साथ ही साथ जो सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरीज़ का जो यहाँ पे जर्नी रहा है कि वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो एक्चुअली कर पाए, तो वो अपनी जर्नी को, वो अपने चैलेंजेस को, इश्यूज को, सक्सेस स्टोरी को वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि हर एक स्टेट को यहाँ पे मौका मिले कि वो दूसरे कंट्री से, दूसरे स्टेट से सीखे और अपने स्टेट में भी वो सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करें। ओके, सो गाइस, आई थिंक कि ये आपकी जो रिपोर्ट है इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पता चला होगा आप लोगों को कि क्या है ये। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ग्लोबल टू लोकल, वैसे ही है वोकल टू लोकल, वैसे ही है ये ग्लोबल टू लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसके बारे में डिटेल आप लोग को पता चल गया होगा। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है सो आप लोग बिल्कुल फ्री हो कि आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आप लोग को जवाब वहाँ पर ज़रूर दूंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो ये है क्या इसके बारे में देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इसके द्वारा, तो पहले की जो कानून थी 1986 को उसको रिप्लेस करके पूरी तरीके से हटा के एक नया आपका कानून लाया गया है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। तो क्यों न्यू कानून की जरूरत पड़ी ये समझते हैं। पहले का जो कानून था यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके द्वारा कुछ शॉर्टकमिंग्स यहाँ पे सफ़र किया जा रहा था, यानी कि आज के डेट में आप लोग समझ सकते हो कि ये 1986 का है, कितना पुराना कानून हो चुका है। आज के डेट में जो आप लोग देखते हो कि जो भी आप लोग सामान खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो, सर्विसेज खरीदते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पे आप राइट्स है, डिमांड्स है, सारी चीज़ें बदल चुकी है, मॉडर्न एज में हम लोग जी रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है ना अब यहाँ पे कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। तो पहले के कानून में क्या क्या लूपहोल था वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल पॉइंट एक्सेस दिया जा रहा था जस्टिस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, इसलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अब जो जस्टिस पाने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ब्रॉड स्कोप आप लेकर आया गया है। साथ ही यहाँ पे आपका ई कॉमर्स रिटेलर और प्लेटफॉर्म को कवर नहीं किया जा रहा था। अब के डेट में आप लोग क्या देखते हो कि जो शॉप होते हैं उनकी डिमांड कम हो चुकी है, लेकिन जो ऑनलाइन ई कॉमर्स आप देखोगे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ई कॉमर्स भी आप लोग देख रहे हो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा मनमानी चला रही है, तो उसके लिए भी कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखोगे कि ई कॉमर्स के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, तो उसी को देखते हुए जो है न्यू कानून में इसके बारे में रखा गया है। साथ ही आप देखोगे कि जो न्यू मार्केट डायनेमिक्स है आज के डेट में, जो नया मार्केट निकल कर आ रहा है जिसमें आप देखो कि मल्टी लेयर डिलीवरी चेन्स है, इनोवेटिव है,
और फिर यहाँ पे जो है आपका एडवर्टीज़मेंट है वो कहीं ना कहीं मिसलीड भी होता है, मार्केटिंग मशीनरी भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के डेट में चेंज हो चुका है। साथ ही यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी प्रोविज़न नहीं है अथॉरिटी का कि सुओ मोटो एक्शन ले सके। सुओ मोटो एक्शन लेने का मतलब यही होता है कि कुछ अथॉरिटी होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको इस तरीके का अथॉरिटी दिया जाता है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ गलत दिख रहा है, जैसे कि पुलिस वगैरह होते हैं, तो वो उस तरीके से तुरंत एक्शन ले सकते हैं। उनको यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर से होकर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो सुओ मोटो एक्शन लेने का भी कोई अथॉरिटी नहीं था यहाँ पे। साथ ही पीनल स्टेप्स है जो कि यहाँ पे सिर्फ लिया जाता है, वो भी आपका जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, वो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो रिड्रेसर फोरम है उसी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ ड्रॉबैक्स थी, लूप होल था जो कि पुराने वाले कानून में हम लोग को देखने को मिला। साथ ही आप देखते हैं कि कुछ नया कानून में जो यानी कि 2019 में जो निकल कर आया, मेजर प्रोविजंस क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो बात यहाँ पे है वो ये है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का यहाँ पे क्रिएशन हुआ है, यानी कि एक ऐसा अथॉरिटी बनाया गया है जो कि बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे जो भी कंज्यूमर का राइट है उसको प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। साथ ही इसको जो असिस्ट किया जा रहा है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ यानी कि DIG के साथ जो है वो इसको असिस्ट भी किया जा रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ, जो कि ये सारे केसेस देखेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे अथॉरिटी को। इनको जो यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि जो भी यहाँ पे केसेज है यानी कि जो कंज्यूमर के राइट है अगर उसको वॉयलेट किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, साथ ही कंप्लेन यहाँ पर रखा जाएगा, और जो अनसेफ गुड्स और जो यहाँ पर सर्विसेज है उसको फिर से रिकॉल किया जाएगा, उसके लिए ऑर्डर दिया जाएगा, डिसकंटिन्यूएशन किया जाएगा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। साथ ही जो गलत तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं उस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो उनको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, इंडोर्सर्स के ऊपर, या फिर यहाँ पे जो पब्लिशर है अगर वो गलत तरीके से कोई भी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आपका दिखा रहे हैं तो उनको यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज होगा, और साथ ही साथ सुओ मोटो केस भी यहाँ पे फाइल होगा, वो भी यहाँ पे कस्टमर के क्लास के बिहाफ से। यानी कि अगर आप लोग को लगता है कि कोई आप लोग के साथ चीट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग को बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है लेकिन उसकी जो है एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो उसको रब करके अगर आप लोग को बेच रहा है, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग जो है अगर पुलिस वगैरह कोई अगल बगल है तो उनको तुरंत आप लोग जाकर बोल सकते हो, वो तुरंत यहाँ पे जो है ना फाइल करेंगे यानी कि केसेस लेंगे। तो ये इसको सुओ मोटो भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हो, चाहे कोई भी सामान क्यों ना हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को ज़रूर एक बार देख लिया कीजिए। ये एक जागरूक जो हम लोग नागरिक कहते हैं ना उसकी निशानी होती है, बस एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि कई बार दुकान वाले क्या करते हैं ना कि जब उनका प्रोडक्ट पुराना हो जाता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को किसी भी तरीके से रब कर देते हैं, तो आप लोग उसी तरीके से कुछ भी कंज्यूम कर लेते हो, मे बी आपके हेल्थ में वो एडवर्स इंपैक्ट हो, कहीं ना कहीं बुरा हो, बच्चों को दे दोगे तो उनकी हेल्थ बुरी हो जाएगी, या फिर बड़े बूढ़े को आप दे दोगे तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी भी तरीके का हेल्थ इशू आ सकता है। क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली प्रोडक्ट को, गुड्स को कभी भी नहीं खाना चाहिए, कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये सारी बातों का आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस है उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा रहा है, यानी कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं जिनको अब यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो अपने ऑर्डर खुद ही रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही जो कंज्यूमर कमीशन है उनको एम्पावर किया गया है कि वो अपने ऑर्डर को इन्फोर्स करें, साथ ही एबिलिटी है कि वो यहाँ पे कंप्लेन ले। तो ये सारी चीज़ भी है जो कि यहाँ पे आपका किया जा रहा है, ठीक है, न्यू है। ईज़ ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशन, यानी कि यहाँ पे आप लोग का बहुत आराम कर दिया गया है कि कंज्यूमर कमीशन तक आप लोग को पहुँचना है तो वो रास्ता आराम हो चुका है। यानी कि अगर आपके रेसिडेंस से यानी कि आपका जो भी प्लेस है उसमें आप लोग फाइल कर सकते हो, ई फाइलिंग यानी कि ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी आप लोग फाइल कर सकते हो केसेस को जिसको सुना जाएगा। फिर साथ ही साथ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है, एक कंप्लेन जिसको कि यहाँ पे सेंट्रल कमीशन फॉर मेडिएशन के द्वारा भी इसको रेफर किया जाएगा, जहाँ पे स्कोप है कि जल्दी से जल्दी ये सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि इस तरीके के अगर आप केस देखोगे जो कंज्यूमर की जो राइट्स है अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है, वो सारे केसेस अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए तब तो हो गया, तब तो आपकी जो राइट्स है ना वो आज नहीं सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम आज नहीं सॉर्ट आउट होगी, 10 साल के बाद ही सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बातें तो वहाँ पे नहीं होगी। इसके लिए क्या है कि अलग से एक मेडिएशन से यहाँ पे आपका बनाया गया है कि सलाह मशवरा होकर जो है ना बात जो है निपट जाए यहाँ पे, ठीक है। मेडिएशन जो है वो यहाँ पे मेडिएशन सेल में होगा और इसको यहाँ पे कंज्यूमर कमीशन के अंदर ही रखा जाएगा। कोई भी अपील जो है वो सेटलमेंट के अगेंस्ट में मेडिएशन के थ्रू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी रखा गया है। साथ ही ई कॉमर्स एंटिटीज़ के लिए क्या रखा गया है ये देख लीजिए। यहाँ पे ज़रूरत है कि एक प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को जो
है रिटर्न कर रहे हो, रिफंड कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, वारंटी है, गारंटी है, डिलीवरी है, शिपमेंट है, पेमेंट का मोड क्या है, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, पेमेंट मेथड क्या है, या फिर आपका पेमेंट मेथड का सिक्योरिटी क्या है, चार्ज बैक ऑप्शन क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इस साथ ही साथ इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे कि आज के डेट में आप देख रहे हो कि चाइना की जो भी 59 ऐप्स को हम लोग यहाँ पे बैन कर रखे और चाइना के गुड्स को भी बैन कर रहे हैं कि उनको अब हम लोग नहीं परचेज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि आप लोग अमेज़ॉन वगैरह अगर ओपन करते हो तो उसमें आप लोग को जो है ना कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताएगा प्रोडक्ट्स के नीचे कि यहाँ पर मेक इन इंडिया है, मेक इन चाइना है, कहाँ की है, वो भी पता चलेगा। तो इसको भी अब यहाँ पर दर्शाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंज्यूमर के लिए कि उनको यहाँ पर डिसीजन अपना मेक कर सके, यानी कि आपके ऊपर ये इंडिपेंडेंट है कि आप कहाँ की कौन सी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हो। आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो नो डाउट यू कैन गो फॉर दैट, अगर आप लोग जो है चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी फ्री हो। तो ये ई कॉमर्स में सबसे पहला है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सेकंड है कि ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपका एक्नॉलेज किया जाएगा, जो भी यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन अगर रिसिप्ट होता है तो यहाँ पे 48 आवर्स में के अंदर जो है ना आपकी कोई भी कंप्लेन है तो उसको देखा जाएगा, यानी कि 2 दिन के अंदर देखा जाएगा और कंप्लेन को रिड्रेस भी किया जाएगा 1 मंथ के ही विदिन जब से ये आपका जो है कंप्लेन लिया गया है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को यहाँ पर तुरंत अपॉइंट किया जाएगा और कोई भी तरीके का कंप्लेन है तो उसको 48 आवर्स के अंदर जो है आपका शॉर्ट आउट करने का भी कोशिश किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सेलर्स है जिसको यहाँ पे आप लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो कि आप अपने गुड्स को वापस ले जाओ, यानी कि मान लीजिए कि जैसे आज के डेट में आप कोई भी अमेज़ॉन से प्रोडक्ट खरीदते हो या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका रिटर्न का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेलर्स हैं तो वो कभी भी ये नहीं कह सकते ना कि नहीं आपके प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेंगे, कुछ ऐसे आपकी कैटेगरी होते हैं जिसमें कि आप वो सारे प्रोडक्ट्स को वापस नहीं कर सको, जैसे कि कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स होती है, लिपस्टिक वगैरह अगर खरीदते हैं तो वो वापस नहीं ले जाते, तो वो ठीक है, वो जेन्युइन रीज़न है क्यों नहीं ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने टैबलेट खरीदा आपका ख़राब है, मोबाइल खरीदा अगर ख़राब है और वो वापस लेकर नहीं जा रहे तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता, ये लेकर जाना ही है और रिफ़ंड भी वापस से देना है। ऐसा नहीं कह सकते कि आपका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा, ये सारा काम नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर रूल्स है कि कैसे ई कॉमर्स कंपनीज़ को जो है रोका जाए कि वो प्राइस को बहुत ज़्यादा प्लेट करते हैं। हर टाइम आप देखते हो बिग बिलियन डेज आता है फ्लिपकार्ट में, अमेज़ॉन सेल तो पता नहीं हमेशा चलता है, तो इसमें क्या होता है ना कि ह्यूज डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, 80% तक का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको इतना ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है तो क्यों आप जो है अपने टाइम को खर्च कर अपने पेट्रोल को खर्च कर आप लोग दुकान जाओगे और वहाँ से जो है सामान लेकर आओगे, क्यों नहीं घर में बैठे बैठे आप लोग जो है चंद मिनटों में अपना जो है सामान ऑर्डर किए और आपका सामान कोई और लेकर आ रहा है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये जो है ना इस चीज़ को यहाँ पर रोका जाएगा, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि इससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना वो नहीं हो पा रहा था, दुकान वाले को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है और ये ऑनलाइन वाले जो जितने भी आपके वेबसाइट है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके के जो अनजस्ट प्राइसेस देखने को मिलता है उसको यहाँ पे रोकने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कुछ कंसेप्ट भी रखा गया है प्रोडक्ट लायबिलिटीज़ का, एक मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है या फिर प्रोडक्ट सेलर है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे कि अगर उनके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट दिया गया है, डिलीवरी किया गया है, अगर वो यहाँ पे डैमेज है या फिर कुछ भी तरीके का आपको उसमें नुकसान देखने को मिलता है तो उसका कंपेंसेशन किया जाएगा। जैसे आप कुछ भी अगर फोटो फ्रेम वगैरह अगर मंगवा रहे हो, कोई कांच की सामान अगर आप मंगाते हो तो वो ज़्यादा मोर देन 50% चांसेस है कि वो आपको ब्रेकेज ही मिलेगा, ब्रोकन ही मिलेगा, तो उससे क्या होता है ना कि कंपनीज उसको कंपेंसेट करेंगे, या तो वापस ले जाओ फुल रिफंड कर दो या तो फिर कुछ ना कुछ तो कंपेंसेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखा जाएगा। पनिशमेंट अगर आप देखोगे तो इस कानून के तहत जो है पनिशमेंट रखा गया है वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स और जो सेलर है यानी कि सेल कर रहे हैं अगर कोई गलत तरीके की जो है यहाँ पर आपका सामान अगर सेल किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट किया जाएगा। साथ ही कुछ और प्रोविजन देखते कि क्या है यहाँ पे, आपका क्या है कि कोई भी फ़ी नहीं है, यानी कि केस अगर आप यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ तक अगर कोई भी केसेस आपका फाइल किया जाता है तो उसके लिए कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा। अगर अमाउंट देखें यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 5 लाख तक खरीद रहे हो तो उसके लिए अगर आप कंप्लेन केस लॉन्च करा रहे हो तो उसके लिए आपसे कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो फिर फ़ी लिया जा सकता है। साथ ही अमाउंट है जो कि ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं उनके कारण जो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाइड यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो किसके यहाँ क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे एक फ़ंड बनाया गया है जो कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, इसी में यहाँ पे आपका जो है पैसा जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा।
स्टेट कमीशन जो है वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी क्वार्टरली बेसिस में देंगे कि कितना वैकेंसी है, डिस्पोजल क्या है, पेंडेंसी ऑफ केसेस क्या है, अदर मैटर्स को लेकर। साथ ही यहाँ पे आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनाया जाएगा जो कि एक एडवाइजरी काउंसिल होगा कंज्यूमर इशूज़ के ऊपर, और ये यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के द्वारा जो है इसको हेड भी किया जाएगा। और यहाँ पे आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज जो कंज्यूमर अफेयर्स के हैं वो दो स्टेट से होंगे, हर एक रीजन से, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन से यहाँ पे दो दो यहाँ पे आपके स्टेट होंगे। तो ये भी आपका कुछ प्रोविजन रखा गया है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। पॉसिबल चैलेंजेस क्या है? अब चैलेंजेस है यानी कि हर एक कानून आपको देखने को मिलता है कि अपने आप में ही यहाँ पे परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है हर एक कानून में होता ही है। तो सबसे पहला बात है कि कुछ फ्यू प्रोविजंस है जिसकी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो इसको तो यहाँ पे सेटअप किया गया है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर राइट्स है उसको प्रमोट किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा और कंज्यूमर राइट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अनक्लियर है कि कैसे ये अथॉरिटी जो है काम करेगी, कुछ इनका जो फंक्शंस है वो कैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, इंक्वायरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्लैरिटी की कमी देखने को मिल रही है। साथ ही जो यहाँ पे आपका ऑर्डर दिया जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अथॉरिटी का, तो इसके अगेंस्ट में जो अपील है वो सिर्फ यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा नेशनल कमीशन के ही सामने, और जो सर्कमस्टांसेस है या फिर क्राइटेरिया है जो कि नेशनल कमीशन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे कुछ केसेस देखेंगे जो कि अभी तक अनक्लियर है कि वो किस तरीके की केसेस देखेंगे। और साथ ही ये भी अनक्लियर है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं पता। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी देखने को मिलता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेवल पे जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे फिल किया जाएगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। साथ ही कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे कंज्यूमर्स में कि उनका राइट क्या है, उनके लिए लेजिस्लेशन क्या क्या बनाया गया है जिससे कि उनका राइट को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये भी यहाँ पर आप लोग देखोगे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कि कैसे उनको यहाँ पे अवेयर करें। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि 2019 का ये जो कानून है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे कंज्यूमर राइट्स को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाए और साथ ही साथ जो है उनको जस्टिस भी जल्दी से जल्दी मिला सके। साथ ही जो ये नया कानून है ये बहुत सारे आस्पेक्ट को टच भी किया है, जैसे कि मेडिएशन की बात कर रहा है, ई कॉमर्स की बात कर रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और 2019 का जो कानून है वो पॉजिटिव स्टेप्स है जिसमें कि हम लोग रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर राइट्स को और ज़्यादा इन्हांस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इस कानून के बारे में बात करूं तो बहुत ही अच्छी यहां पे आपकी जो है सारी प्रोविजंस रखी गई है। अथॉरिटी है जो कि आपका चेक करेगा कि आपके कंज्यूमर राइट्स जो है हनन हो रहे कि नहीं, आपको अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप तुरंत जो है कंप्लेन लॉन्च करा सकते हो, आपकी आपको अगर प्रोडक्ट अगर गलत तरीके से डिलीवर हो रहा है, टूटा फूटा दिया जा रहा है तो कंपेंसेशन भी है, कंप्लेन जो लॉन्च हो रहा है उसके लिए जो है आपको जल्दी स्पीडी ट्रायल के थ्रू आप लोग को जस्टिस भी मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है जो कि आज की डेट की यानी कि अप टू द मार्क है और आज के डेट में जो भी चीज़ों की जरूरत है उसके हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल्स थी, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड यहाँ पे देखते हैं जो कि लास्ट आर्टिकल है कि इशू जो कि लोकल रिजर्वेशन से रिलेटेड है प्राइवेट सेक्टर जॉब में, तो रिसेंटली हरियाणा कैबिनेट के द्वारा जो है एक ड्राफ्ट बनाया गया, वो भी एक ऑर्डिनेंस है जिसमें कि वो मांग कर रहे हैं कि 75% जो जॉब है प्राइवेट इंटरप्राइजेस में वो भी लोकल रेसिडेंट के लिए होना चाहिए, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, यानी कि अभी COVID-19 की सिचुएशन है उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि बेरोजगारी कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसके हिसाब से हरियाणा के द्वारा क्या किया गया है कि वहाँ के जितने भी लोकल है ना उनको वो चाहते हैं कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ में काम करें तो वहाँ के लोकल पीपल पहले ही काम करें और लोकल पीपल के लिए 75% जो है वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं जॉब में। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वे किया गया था सेंटर के द्वारा और वो किस लिए, तो यहाँ पे डेवलपिंग स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के लिए 2016 में, जिसके द्वारा ये दिखाया गया है कि 2/3 जो रिस्पॉन्डेंट है ना वो यहाँ पे फेवर में है कि जो स्टेट से जो लोग होते हैं ना उनको यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस चीज़ के फेवर में है कि जिस स्टेट से जिस जो इंसान यहाँ पे बिलोंग करते हैं उनको वहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देना चाहिए। सिमिलर डिमांड आपको देखने को मिलेगा कुछ और स्टेट से भी निकल कर आया, यानी कि हरियाणा यहाँ पे पहली स्टेट नहीं है जो कि इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं, इसके पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र है। लास्ट ईयर ही इस तरीके का 75% जो जॉब रिजर्वेशन लोकल्स को जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया था, बट मैटर ये अभी सब जुडाइस है और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अभी हरियाणा का ये केस निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके का जो मूव्स है ना वो मेनली यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग दूसरे कंट्री की देखें, जर्मनी की अगर बात
करें तो हर एक विलेज में वहाँ पे फैक्ट्री देखने को मिलेगा। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज जो विलेज में है, साथ ही साथ यहाँ पे जो जॉब प्रोवाइड किया जाता है वो लोकल पीपल को किया जाना चाहिए, जिससे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो देयर शुड बी एन ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क, यानी कि ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए यूनियन लेवल में जिससे कि हम लोग इस तरीके की डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देखिए, आप लोग जिस जगह पर रहते हो, चाहे मान लीजिए कि आप लोग अभी हरियाणा में रह रहे हो, तो हरियाणा के जो लोग हैं ना, हरियाणा में आप लोग पले भरे हो, वहीं पे आप लोग की एजुकेशन हुई है, तो आप लोग को जॉब के लिए जो है मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे आप लोग को सेटलमेंट लेना पड़ता है। मे बी आप लोग की उस तरीके से जॉब नहीं मिल सके, पहले तो जॉब के सर्च में आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, अगर वहाँ पर आपको जॉब नहीं लगता है तो किसी तरीके से आप अपनी जो है सेटलमेंट कर पाते हो, किसी तरीके से अपना गुजारा कर पाते हो। अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको अलग से खर्चे देने पड़ते हैं अपने रहने का, फिर उसके बाद आपको ऊपर से घर में भी भेजने पड़ते हैं। अगर आप मैरिड हो तो अलग से आपकी जो है फैमिली की टेंशन होती है, अनमैरिड हो तो आपके फादर मदर सिस्टर ब्रदर सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है ना, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो फिनेंशियल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज डैट कि हरियाणा में आप हो और हरियाणा में ही आप जॉब कर रहे हो, तो कितना बेटर रहता है कि आपको अलग से जो है सेटलमेंट का जो खर्चा था वो यहाँ पर आप लोग उस चीज़ को एक प्रोडक्टिव तरीके से खर्च कर सको। घर में रह रहे हो, सही तरीके से सबका ख्याल रख पाओगे, घर का खाना खा पाओगे और अपनी मिट्टी में ही रह पाओगे। ज़रूरत नहीं है, जो माइग्रेशन होता है ना वो मजबूरी में माइग्रेशन होता है। बहुत कोई तो शौक करते हैं कि चलो बाहर के स्टेट को देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, न्यू चीज़ें देखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, बट मैक्सिमम लोग चाहते ही नहीं है ये। ठीक है, मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, अपने जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह से वो प्यार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक कनेक्टिविटी आपको शो करते हुए दिखेगा, है कि नहीं। आप लोग बताइए कि आप लोग में से कितने सारे लोग हैं जो कि अपने स्टेट में ही काम करना चाहते हैं लेकिन आप लोग फोर्सफुली जो है बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो या फिर बाहर जाकर आप लोग काम कर रहे हो जो कि आप लोग को नहीं पसंद है। जिसको पसंद है वो तो अलग बात है, सही है, लेकिन जिसको नहीं पसंद है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे कि आप लोग की क्या मजबूरी है जिसके कारण आप लोग घर से बाहर हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे आप लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए हो या फिर आप लोग जॉब के लिए हो, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं ये रीज़न क्या है, यानी कि इसके पीछे क्या है। लोकल जॉब का जो आज के डेट में इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ते गया है, इसके लिए रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न यही है ना यार कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक रिपोर्ट के द्वारा मैं ये पढ़ रही थी कि लास्ट 45 ईयर्स में जो है ना 2019 में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी, तो मुझे ये पढ़ के बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। और ऑनगोइंग जो अभी चलते जा रहा है कोविड-19, इसके बाद तो और सारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, तो आप लोग सोच सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। साथ ही एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस है, बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं, यानी कि सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी सेक्टर्स हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। और हर स्टेट का आप लोग जो है देख लो, वहाँ के किसान भाई कभी खुश नहीं होते। किसान भाई को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए उनको खुश नहीं रखा जा जाता इसलिए बहुत ज़्यादा तरीके का प्रॉब्लम होता है। आज के डेट में आप देखो कि जो किसान भाई होते हैं ना, वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को कभी भी किसान बनाने के लिए प्रेरित नहीं करते। आप देखते हो कि किसान का बेटा जो है IAS बन गया, किसान का बेटा जो है वो आपके बैंक में है, किसान का बेटा कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, अच्छे MNC में है। क्यों है? क्योंकि किसान कभी भी नहीं चाहते कि जो दुख झेलकर वो यहाँ पे अपना ज़िंदगी निर्वाह करे वो चीज़ उनके बच्चे करें, तो इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए जो है ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस है जिसके कारण जो है लोग चाहते हैं कि उनके ही कंट्री, उनके ही स्टेट में अच्छा खासा जो है एम्प्लॉयमेंट आपका जनरेट हो। साथ ही लैंड ओनर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत सारे लैंड रिक्वायरमेंट जो है ना वो आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए यहाँ पे एक्वायर किया जाता है, तो जो लैंड ओनर है वो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उनका जो इनकम जनरेट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कम किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे उनका डिमांड है कि लोकल लेवल में जॉब होना चाहिए। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, सारे सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, जैसे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 है, इसमें ये देखने को मिला था कि एक रीज़न जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का है ना वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स और मुस्लिम जो कि कॉपरेटिव सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो रिजर्वेशन से क्या होता है कि ये सारे सेक्शंस जो है ना वो ओवरकम तो कर जाते हैं इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि हरियाणा में अगर माली जो स्कीड्यूल कास्ट के हैं, जो दलित है, जो मुस्लिम है, अगर उनको वहीं पर रिजर्वेशन दिया जाए, वहीं पर उनको जॉब वगैरह दिया जाए, तो उनकी जो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ज़रूर अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, जो कि मेन एम है रिजर्वेशन देने का। ठीक है ना, जो रिजर्वेशन हमारे यहाँ 70 साल से दिया जा रहा है, तो उसका मेन एम यही है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो बैकवर्डनेस है उसको फॉरवर्ड में लेकर आए, उनकी सिचुएशन को थोड़ा अपलिफ्ट कर सके। तो ये एक डिमांड है।
साथ ही आप लोग देखोगे कि सेंट्रल रिवोल्यूशंस जो है वो इनसफिशियंट है, यानी कि सदर्न स्टेट में आप देखोगे कि वो यहाँ पे सक्सेसिव फील करते हैं। फाइनेंस कमीशंस जो है ना वो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हाईएस्ट वेटेज ऑफ पॉवर्टी देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं। तो सदर्न इंडिया में जो है आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादा पॉपुलेशन आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, कम पॉपुलेशन आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, जो फंड यहाँ पर दिया जाता है, वो यहाँ पर जो सदर्न इंडिया जो सदर्न जो यहाँ पे स्टेट है ना उनको बेटर तरीके से दिया जाता है। तो आप लोग देखते हो कि सदर्न स्टेट जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी किया गया है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट। एक्सटेंट है माइग्रेशन का, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि माइग्रेशन यहाँ पे करना पड़ता है, लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें या फिर NSSO के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें या फिर इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये बताया जाता है कि 65 मिलियन जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है, 33% जो है माइग्रेट जो है वो वर्कर है, यानी कि काम करने वाले। आप लोग को अभी COVID-19 में ही ये अंदाजा हो गया होगा कि कितने सारे माइग्रेंट लेबर जो है ना वो अपने देश जो है लौट आ गए थे, अपने देश नहीं अपने गांव वो लौट आए थे, तो उनको जगह उनको काम नहीं मिल रहा था इस वजह से। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसके कारण जो है लोकल जॉब की जो डिमांड है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। अब देखते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश जो लाया गया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या इशू है ये देखते हैं। सबसे पहला है कि मे बी इसमें लीगल स्क्रूटनी से ये आपका पास नहीं किया जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि ये वॉयलेट करता है, क्योंकि एक स्टेट को अगर इस तरीके का 75% रिजर्वेशन दे दे, दूसरे स्टेट को इस तरीके का रिजर्वेशन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल है अनुच्छेद 14 है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि कानून के सामने सब समान है, तो ये आर्टिकल का कहीं ना कहीं हनन होगा। आर्टिकल 16 है जिसमें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ क्या है कि डेंजरस है हमारे यूनिटी ऑफ कंट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं हो पाएगा। फिर तो आप समझ सकते हो कि हरियाणा वाले जो है अपने टशन में होंगे, दूसरे स्टेट जहाँ पे ज़्यादा रिजर्वेशन होगा उनमें एक अलग ही बात होगा, फिर यूनिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आउटसाइडर जो है ना दूसरे स्टेट के लोग जो है हरियाणा जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हरियाणा क्यों जाए, चलो दिल्ली ही चल जाते हैं, चलो कर्नाटक ही चल जाते हैं, तो फिर हमारा यूनिटी नहीं हो पाएगा। साथ ही कंसर्न है इंडस्ट्री का, मोस्ट ऑफ द जो यूनिटी आपको देखने को यूनिट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे लोकल को ही इम्प्लॉय करते हैं। तो सर्टेन सेक्टर्स है जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप लोकल्स को जो है ना जॉब दो, और यहाँ पे जो यूनिट्स है वो यहाँ पे फोर्स करते हैं कि बाहर वाले लोगों को यहाँ पे सर्च करो और उनको इन सारे सेक्टर्स में जॉब दो। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखोगे कि करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बैरियर हो जाता है, यानी कि सही तरीके से लोग जो है अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इस तरीके के डिसीजन से ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज़ फिर रीलोकेट होती है, यानी कि पहले जो हरियाणा में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब क्या होगा कि हरियाणा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हरियाणा से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा के दूसरे स्टेट में लेंगे, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। साथ ही आप लोग देखोगे कि जो ये प्लान है ना ये माइक्रो और स्मॉल यूनिट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, साथ ही साथ मीडियम और जो लार्ज स्केल कंपनीज MNC है जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री है, तो इनके द्वारा 25% से भी ज़्यादा जो है GDP स्टेट के GDP यानी कि जो हरियाणा का है उसमें आपका जो है ये आपका कंट्रीब्यूट करता है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एडवर्सली इम्पैक्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है अगर एक स्टेट को इस तरीके से इतना 75% अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए वो भी लोकल्स को, तो उससे कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कि कैसा कैसा यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, आइए इश्यूज़ को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला है कि ये हमारे जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के अगेंस्ट में है, दूसरा है कि हमारे कंट्री के यूनिटी के अगेंस्ट में है, तीसरा है कि इंडस्ट्री की कंसर्न को देखते हुए कि लोकल्स को जॉब देना है लेकिन बाहर वाले को मजबूरी में देना पड़ता है, फोर्थ है कि यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिफ्थ है कि इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जो MNC है वो सारे कंपनीज जो है कहीं ना कहीं लास्ट एडवर्सली तरीके से हिट हो पाएंगे। तो कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो जॉब रिजर्वेशन है लोकल्स के लिए वो यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को लॉन्ग रन के लिए नहीं यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएगा, सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और स्किलिंग यूथ जो है ना सिर्फ यही यहाँ पे नेसेसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक जो साइज़ है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर पाएंगे, वो भी एब्सोल्यूट सेंस में। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये बढ़ावा भी नहीं दिया जा रहा है, इस चीज़ को प्रेज़ भी नहीं किया जा रहा है कि जॉब रिजर्वेशन जो है लोकल के लिए इतना ज़्यादा देना ज़रूरी है। ठीक है, सो गाइज़ ये मुझे लगता है कि ये आर्टिकल भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आप लोग को पता चला होगा। तो आज के लिए हमारी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इफ़ पॉसिबल तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।